डेगाना उपखंड के नर्सिंग कर्मचारियों ने शनिवार को 2 घंटे के कार्य बहिष्कार किया है। दरअसल पिछले दिनों नागौर के JLN हॉस्पिटल में कार्यरत सीनियर नर्सिंग कर्मचारी रामेश्वर गोदारा की मौत हो गई थी। इसको लेकर कर्मचारियों ने हिट एंड रन मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए PMO को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने बताया कि नागौर के JLN हॉस्पिटल से ड्यूटी कर अपने घर जाते समय अज्ञात वाहन ने नर्सिंग कर्मचारी रामेश्वर गोदारा को पीछे से टक्कर मार दी थी और कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं मामले में वाहन चालक फरार हो गया था, जिसको लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर डेगाना के राजकीय उपजिला हॉस्पिटल के ब्लॉक नर्सिंग अध्यक्ष राम निवास बेनीवाल के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। हमारे एक सीनियर स्टाफ है नागौर जेल में रामेश्वर जी गोदारा, जिनका एक्सीडेंट में दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिसका अभी प्रशासन ने ना ही तो कोई मुकदमा दर्ज किया, ना ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इससे नर्सेज कर्मियों में भयंकर रोष है और यदि दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती तो पूरे नागौर जिले में गाड़ी बहिष्कार किया।